पानी धीरे धीरे घटता जा रहा है और सूखे का मौसम आने के साथ ही यहाँ जीने के हालात भी मुश्किल होते जा रहे हैं। एक अकेला नर जानता है कि इसे जल्दी ही नदी से निकलकर ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां ये जाड़े का मौसम बिता सके। नदी के जल कुंडों के सिकुड़ने के साथ ही अब अचानक पड़ोसी झुंडों के इलाके ज्यादा करीब लगने लगे हैं और मादाओं पर अधिकार के लिए मुकाबला अपने चरम पर है। अगर ये नदी में रहा तो इसे यहाँ दबदबा रखने वाले नर की चुनौती का सामना करने और यहाँ तक कि मारे जाने का भी खतरा झेलना होगा। नया घर ढूंढने का अर्थ है कि इसे नदी की सुरक्षा से निकलकर अपने लायक जलकुंड की तलाश में जाना होगा। पानी की सुरक्षा से निकलकर अपने रहने के लिए नई जगह की तलाश में जमीन पर घूम रहे इस नर को काफी खतरा है। जंगल में इसे शिकारी जीवों का खतरा हो सकता है। शेरों का झुंड साथ मिलकर इस पर हमला कर सकता है। ये तेजी से निकलकर अगले कुछ सप्ताह में बार बार इधर उधर घूमकर अपने लिए एक बढ़िया नया घर ढूंढेगा। फिर यह नदी से हमेशा के लिए निकल जाएगा। लेकिन इस नर को जल्दी करनी होगी। मौसम तेजी से बदल रहा है और जल्दी ही जाड़ा आ जाएगा। गर्मी में होने वाली बारिश के दौरान ये जंगल जितनी तेजी से हरा होता है, जाड़े में ये उससे भी ज्यादा तेजी से सूखता है। सर्दी का मौसम आने ही वाला है, सूखे मौसम की शुरुआत है। हिप्पो को जाड़े के मौसम के लिए एक नया घर मिल गया है। नदी के सिकुड़ते हुए जलकुंडों में इसके लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन ये जलकुंड सर्दी में रहने के लिए इसके लिए बिल्कुल सही जगह साबित होगी। ये धीरे धीरे पानी में उतर रहा है। शुरू में थोड़ी झिझक के बाद इसने खुद को जल्दी ही इस शांत पानी और यहाँ के कीचड़ के मुताबिक ढाल लिया। नदी में हिप्पो के एक पूरे झुंड के साथ रहने के बाद अब ये इस जलकुंड में अकेले रहकर बहुत खुश है। लेकिन जल्दी ही इसे एहसास हो गया कि ये जलकुंड हमेशा इतना शांत नहीं रहता। गर्मी में बने छोटे छोटे जलकुंड और पानी के गड्ढे सूख गए हैं और ये बड़ा जलकुंड जीव जंतुओं की गतिविधियों का केंद्र बन गया है। आसपास के सभी जीव जंतु रोज अपनी प्यास बुझाने के लिए यहां आते हैं। इम्पाला के प्रजनन करने वाले झुंड में ज्यादातर बच्चों के साथ मादाएं होती हैं और ये बहुत सावधानी से पानी के पास आ रही हैं। आसपास कोई शिकारी जीव नहीं दिख रहा, लेकिन मुमकिन है कि कोई मगरमच्छ या शेर किसी बेखबर शिकार के लिए घात लगाए बैठा हो। इस तरह के जलकुंड सर्दी के मौसम में शिकारी जीवों के लिए शिकार करने की सबसे अहम जगह है और शिकार बनने वाली तमाम प्रजातियों की तरह इम्पाला में भी हमेशा सतर्क रहने का जन्मजात सहज ज्ञान होता है। साल के इस समय जंगल में पानी दुर्लभ है,
और जीवों को हर रोज प्यास बुझाने के लिए जलकुंड के पास आना ही पड़ता है। यहाँ घात लगाकर इंतजार कर सकने वाले किसी भी शिकारी के लिए वो आसान निशाना साबित हो सकते हैं। झुंड में रहने का एक फायदा ये है कि कई जोड़ी आंख कान से ज्यादा सुरक्षा सुनिश्चित होती है। झुंड के कुछ सदस्य किनारे पर प्यास बुझा रहे हैं और बाकी सदस्य झाड़ियों पर नजर रखकर खतरे के किसी भी संकेत के लिए पूरी तरह सतर्क हैं। यहाँ पानी पीने के लिए आए नन्हे कूडू जैसे अन्य जीव इम्पाला की मौजूदगी का फायदा उठाएंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि खतरा महसूस होते ही इम्पाला चेतावनी देंगे और उन्हें भी पता चल जाएगा। जलकुंड के दूसरे किनारे पर नरों का एक छोटा झुंड ये अंदाजा लगा रहा है कि अभी पानी पीना सुरक्षित है या नहीं। नर इम्पाला सिर्फ मिलन के मौसम में ही अपने इलाके की हिफाजत के लिए सक्रिय होते हैं और ये अपना ज्यादातर समय मादाओं से अलग रहने वाले नरों के झुंड में बिताते हैं। इस तरह के प्रजनन करने वाले झुंडों में आमतौर पर सिर्फ बच्चों के साथ मादाएं होती हैं और कभी कभार इनके साथ इलाके पर दबदबे वाला नर भी दिखाई देता है, क्योंकि ये प्रजनन के मौसम का आखिरी दौर है। दूसरी तरफ कूडू अनिश्चित झुंडों में रहते हैं जिनकी कोई स्पष्ट सामाजिक बनावट नहीं होती। प्रजनन करने वाले परिवार समूह में बच्चों और मादाओं के साथ दो नर हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ पानी पीने की जगहों और अच्छी चरागाहों में ही कूडू के बड़े झुंड नजर आते हैं। लेकिन सामाजिक संरचना चाहे जो भी हो, शिकार बनने वाली इन प्रजातियों में एक समानता है, इन सब में अपना अस्तित्व बनाए रखने का सहज ज्ञान होता है। पानी पीते ही ये माएं अपनी संतानों के साथ जलकुंड से जा रही हैं। लगता है ये समय रहते निकल गईं। जलकुंड के दूसरी तरफ सबसे पहले नरों के झुंड को खतरे का एहसास हुआ और वो झाड़ियों में भाग निकला। इसके बाद जंगली शूकर भी दूसरी दिशा में भाग निकले। पलक झपकते ही ये किनारा बिल्कुल खाली और सुनसान हो गया। यहां सिर्फ ऊंची सूखी घास में बहती धीमी हवा की आवाज आ रही है, लेकिन खतरा बहुत खामोशी से आसपास ही घूम रहा है। ये शेर है। ये अभी शिकार नहीं कर रहे, लेकिन आसान मौका देखकर ये दूसरों के लिए जानलेवा खतरा साबित हो सकते हैं। लेकिन अभी सबको इनकी मौजूदगी का पता चल गया है और आज इन्हें जलकुंड पर कोई आसान शिकार नहीं दे। ज्यादातर जीव हमले के खतरे से बचने के लिए भाग निकले हैं। बूढ़ा जिराफ काफी ऊंचाई से सब कुछ देख सकता है और ये दूसरे किनारे से नजर रख रहा है। ये बिल्कुल शांत रहकर छिपा हुआ है। ये शेरों के बारे में सब कुछ जानता है और इसके शरीर पर मौजूद निशान यही बता रहे हैं। कुछ मिनट पहले मची अफरा तफरी से बेखबर दो नर भैंसे पानी के किनारे के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। इन्हें कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा और इनका बेपरवाह बर्ताव जिराफ और दूसरे जीवों को भी जलकुंड के पास आने की हिम्मत दे रहा है। बूढ़ा जिराफ अब भी झिझक रहा है, लेकिन इसकी एक वजह भी है। पानी पीने के लिए अपने लंबे शरीर को झुकाने पर ये आसानी से शेरों का निशाना बन सकता है।
पानी का एक घूंट भरते ही जिराफ अपना सिर उठाकर गर्दन सीधी कर लेता है। इसके लिए हमेशा शिकारियों पर नजर रखना जरूरी है। इस बीच पानी का किनारा फिर से प्यास बुझाने के लिए आने वाले जीवों से भर गया है और हिप्पो जलकुंड के सबसे गहरे हिस्से से सारी हरकतों पर नजर रख रहा है। इसने ये बात मान ली है कि इसके इस नए घर में इसे शांति या अकेलापन नहीं मिलेगा। ये जलकुंड आसपास के इलाके में रहने वाले सभी जीवों के लिए जीवन स्रोत है और हिप्पो की मौजूदगी भी एक बड़ा आकर्षण है। इसका शरीर जैसे ही पानी की सतह के बाहर आता है, मैनाएं और टेरेपिन उस पर चढ़ जाते हैं। ये आखिरकार पानी में डुबकी लगाकर इन सरीसृपों को गिराने की कोशिश छोड़ देता है और इस जलकुंड में रहने वाले सभी टेरेपिन के लिए धूप सेकने का पक्का ठिकाना बनना स्वीकार कर लेता है। टेरेपिन असमतापी यानी ठंडे खून वाले होते हैं और धूप से गर्मी हासिल करते हैं, इसलिए इनके लिए धूप सेकना जरूरी हो। लेकिन सभी जीव दोपहर की धूप की गर्मी पसंद नहीं करते। दो जंगली शूकर जलकुंड के आमने सामने के किनारों पर कीचड़ में लोटने और खुद को ठंडा करने में व्यस्त हैं, ताकि अपनी खाल को तेज धूप से बचा सकें। नहाने के बाद एक शूकर अपनी साज सवार पूरी करने के लिए अतिरिक्त कीचड़ को शरीर से हटा रहा है और इसके साथ ही इसे अपने शरीर पर बचे खुचे परजीवियों और कीड़े मकोड़ों से भी मुक्ति मिल जाती है। ये शूकर इस प्रक्रिया को तब तक दोहराएगा जब तक इसे परेशान करने वाले कीड़ों से छुटकारा नहीं मिल जाता। लेकिन इसके लिए ये अनुभव काफी मजेदार भी है और ये जरूरत से थोड़ी ज्यादा देर तक भी ये सब करता रह सकता है।